Hello all of you. Today we see the automation hierarchy. So see the diagram for automation hierarchy. It is first level, it is that management level. Second is supervisor level. Third it is networking level. Fourth control level. And last it is field level. Then we see the one by one. That is, first it is the field level. So see the first point in field level. This is the innermost layer of automation system. The basic components used in this level is field device like sensors, push buttons, actuators and lamps. Okay, अभी innermost layer है automation system की जिसमें हम लोग components, basic components use करते हैं ये field में, like sensor, push button, actuators और lamp. Okay, then these device are directly interface with the plant floor activities. ये जो device है हम लोग directly जो floor activities रहेंगी उसको हम directly interface करते हैं. It includes all the required type of sensing device that provides the electrical or non-electrical parameters conversion into the form that can be digested by the process controller. Okay, अभी इसमें जो है क्या क्या लगता है, सेंसिंग डिवाइसेस लगते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल आपको जो पैरामीटर कन्वर्जन लगता है वो प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डाइजेस्टेड बाय द प्रोसेस कंट्रोलर्स. ओके, देन सी सम ऑफ द डिवाइसेस आर द फील्ड लेवल मे डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सुपरवाइजर लेवल टू नोटिफाई द एबनॉर्मल कंडीशंस. उसमें से जो कुछ कुछ डिवाइसेस रहेंगे वो डायरेक्टली फील्ड लेवल से सुपरवाइजर लेवल से कनेक्टेड रहेंगे जो कि वो क्या नोटिफाई करेंगे, जो भी एबनॉर्मल कंडीशंस है वो नोटिफाई करेंगे. ओके, देन वी सी द नेक्स्ट लेवल, दैट इज़ द कंट्रोल लेवल. द फर्स्ट पॉइंट इट इज़ द कंट्रोल लेवल इज़ नथिंग बट द इंटेलिजेंट प्रोसेस कंट्रोलर्स. ये नथिंग बट द क्या है, इंटेलिजेंट प्रोसेस कंट्रोलर्स है. देन इट कैन बी आइदर PLC और PAC और सिंपल एम्बेडेड सिस्टम. ओके, ये एक तो PLC और या फिर PAC सिंपल एम्बेडेड सिस्टम रहेगी कंट्रोल लेवल में. सी द नेक्स्ट पॉइंट इन कंट्रोल लेवल, इट इज दिस द स्पेसिफिक PAC और PLC यूज्ड एट दिस लेयर डिपेंड्स ऑन द need of input output device to the interfaced with the controllers. Amount of memory required for programming and data, the protection features support required to handle abnormal emergency situation. Okay, ये जो specific PAC या फिर PLC used है at this layer depends, वो किस पर depends रहेंगी, input या फिर आउटपुट डिवाइसेज जो हम लोग इंटरफेस करेंगे कंट्रोलर के साथ उसके ऊपर डिपेंड रहेंगी. और जो अमाउंट ऑफ मेमोरी जो प्रोग्रामिंग के लिए या फिर डेटा के लिए आपको लगेगा. ओके, द प्रोटेक्शन फीचर्स सपोर्ट रिक्वायर्ड टू हैंडल एबनॉर्मल इमरजेंसी सिचुएशन. अगर एबनॉर्मल इमरजेंसी सिचुएशन अगर आ गई तो ये क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेगा, सपोर्ट करेगा. ओके, फॉर हैंडलिंग द एबनॉर्मल इमरजेंसी सिचुएशन. ओके, देन वी सी द नेक्स्ट लेयर, दैट इज़ द नेटवर्किंग लेयर. इन नेटवर्किंग लेयर फर्स्ट पॉइंट इज द बेसिक पर्पस ऑफ द नेटवर्किंग लेयर इज़ टू प्रोवाइड द कनेक्टिविटी बिटवीन द कंट्रोलर एंड सुपरवाइजर लेवल. ओके, जो बेसिक पर्पस है नेटवर्किंग लेयर का वो क्या है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है कंट्रोलर और सुपरवाइजर लेवल में. देन द नेटवर्किंग लेवल यूजेस द स्टैंडर्ड इथरनेट प्रोटोकॉल फॉर दिस कम्युनिकेशन. अभी नेटवर्किंग लेवल क्या यूज़ करता है, स्टैंडर्ड इथरनेट यूज़ करता है प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन के लिए. ओके, हाउएवर एट द प्रॉपर्टरी level any other suitable industrial protocol like Modbus, Profibus, device net, control net etc. can be used as a
एज पर द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स। ओके, अभी इसमें जो है हम लोग अदर सुटेबल इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल्स भी यूज़ करते हैं, जैसे कि बताया उन्होंने मोडबस है, प्रोफिबस है, डिवाइस नेट, कंट्रोल नेट है। ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं? फॉर नेटवर्किंग लेवल में हम लोग ये यूज़ करते हैं फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स। ओके, जैसे जैसे आपको एप्लीकेशन लगेंगे उसके बेसिस पे हम लोग ये यूज़ करते हैं। देन वी सी द सुपरवाइजर लेवल। इन सुपरवाइजर लेवल द फर्स्ट पॉइंट इट इज़ दैट इन दिस लेवल द फील्ड डेटा इज मॉनिटर्ड, स्टोर्ड एंड कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द सिस्टम लाइक ह्यूमन मशीन इंटरफेस, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज HMI, सुपरवाइजर कंट्रोल and data acquisition system also called as SCADA, and a distributed control system that is DCS. okay, so supervisor level जो है उसमें हम लोग ये जो field data है ये किसके लिए हम use करते हैं? Monitored और stored, controlled by using system like HMI, SCADA and DCS. then it is to integrate the plant floor at machine shop with the enterprise office for the real time online data sharing. okay, अभी ये और किसके लिए यूज़ करेंगे? फॉर इंटरग्रेट द प्लांट फ्लोर एट मशीन शॉप विथ इंटरप्राइज ऑफिस, ओके, फॉर शेयरिंग पर्पज इन रियल टाइम ऑनलाइन डेटा। ओके, देन ओके, नेक्स्ट लेवल इट इज़ मैनेजमेंट लेवल। इट इज़ द अपर मोस्ट लेवल ऑफ ऑटोमेशन हायरार्की, अपर मोस्ट लेवल है ये। देन इट इज़ इंटरफेस्ड विद द सुपरवाइजर लेवल टू मॉनिटर द फील्ड डेटा। ये सुपरवाइजर लेवल के साथ इंटरफेस होता है किसके लिए? फॉर मॉनिटर द फील्ड डेटा। इट एनालाइज द डेटा एंड डू द प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स एंड सर्विसेज। ये डेटा एनालाइज भी करता है और जो प्रोडक्शन है उसका प्लानिंग करके सेल्स एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा। देन वी सी द नेक्स्ट इन दिस पॉइंट, दैट इज़ द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमेशन सिस्टम। द बेसिक कंपोनेंट्स इज़ दैट द फर्स्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑल्सो कॉल्ड सेंसिंग एलिमेंट, सेकेंड कंट्रोलर एंड देन आउटपुट डिवाइसेस, उसको ही हम लोग बोलेंगे एक्चुएटर्स। ओके, सो फर्स्ट वी सी द इनपुट डिवाइसेस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेंसिंग एलिमेंट्स। सी द पॉइंट्स, इनपुट डिवाइस आर बेसिकली सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर्स, मैन्युअली स्विचेस और लिमिट स्विचेस। इनपुट डिवाइसेस में बेसिकली कौन से डिवाइसेस आते हैं? सेंसर्स है, ट्रांसड्यूसर है, स्विचेस है, मैनुअल या फिर लिमिट स्विचेस है। ओके, देन वी सी द नेक्स्ट, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट इन इनपुट डिवाइसेस। दिस डिवाइस आर आइदर एनालॉग टाइप और डिजिटल टाइप। ये डिवाइस एक तो एनालॉग या फिर डिजिटल टाइप होता है। द सेंस, दे सेंस द पैरामीटर्स लाइक अ टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। ये सेंस कर सकते टेम्परेचर या फिर प्रेशर, इसके जैसे और भी पैरामीटर्स वो सेंस कर सकते हैं। एंड गिव्स द फीडबैक टू द कंट्रोलर फॉर अ फर्दर प्रोसेस। फीडबैक प्रोवाइड करेगा उसके बाद में कंट्रोलर को फर्दर प्रोसेस के लिए। देन डिजिटल डिवाइसेस लाइक अ स्विचेस गिव्स द डिस्क्रीट टाइप आउटपुट। जो भी डिजिटल डिवाइसेस है जैसे कि स्विचेस है, वो डिस्क्रीट टाइप आउटपुट प्रोवाइड करेगा, आइदर लो और हाई। देन सी द पॉइंट, दैट इज एनालॉग डिवाइस रिक्वायर ADC टू कन्वर्ट द सिग्नल इन टू द डिजिटल फॉर्म। अगर एनालॉग डिवाइस है तो आपको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगेगा फॉर कन्वर्टिंग द सिग्नल फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल फॉर्म। ओके, देन वी सी द नेक्स्ट, दैट इज़ द कंट्रोलर। कंट्रोलर इज द हार्ट ऑफ द ऑटोमेशन सिस्टम। इट मे बी PLC और PAC और एनी एम्बेडेड सिस्टम डिवाइस। ओके, ये PLC या फिर PAC या फिर कोई भी अदर एम्बेडेड सिस्टम डिवाइस हो सकता है। कंट्रोलर एग्जीक्यूट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनेजेस मेमोरी, मॉनिटर इनपुट्स, इवेल्युएट्स द यूज़र लॉजिक
turns on the appropriate outputs. Okay, controller क्या क्या ऑपरेशन प्रोवाइड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी भी मैनेज करेगा, इनपुट्स मॉनिटर्स करेगा, यूजर्स लॉजिक इवेल्युएट्स भी करेगा, टर्न्स ऑन द अप्रोप्रिएट आउटपुट भी जो है आपको अप्रोप्रिएट प्रोवाइड करेगा. देन एंड हैंडल अ कम्युनिकेशन, ऑल्सो इट विल हैंडल कम्युनिकेशन इंटरैक्शन विद द अदर कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम. ये क्या करेगा, जो भी अदर्स कंपोनेंट्स है सिस्टम में वो उसमें भी इंटरैक्शन वो एग्जीक्यूट्स करेगा. ओके, देन वी सी द नेक्स्ट, दैट इज लास्ट, इट इज द आउटपुट डिवाइस, ऑल्सो कॉल्ड एज एक्चुएटर्स. आउटपुट डिवाइसेज आर दोज डिवाइसेज विच आर कनेक्टेड टू द आउटपुट पोर्ट ऑफ द कंट्रोलर. देन दे आर कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोलर एज पर द यूजर लॉजिक एंड अकॉर्डिंगली दे आर स्विच ऑन और ऑफ. ये जो कंट्रोलर है दे आर कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोलर. ये जो आउटपुट डिवाइसेस है ये कंट्रोलर क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा एज पर द यूजर लॉजिक और उसके हिसाब से वो स्विच ऑन या फिर ऑफ होगा. ओके, देन दे आर वंस विच प्रोड्यूस द एक्चुअल वर्क आउटपुट. देन आउटपुट डिवाइस आर ऑल्सो एनालॉग और डिजिटल टाइप डिवाइस. ये भी एनालॉग या फिर डिजिटल टाइप डिवाइस रहेगा. देन वी सी द नेक्स्ट, डिजिटल टाइप कैन ओनली बी ऑन एंड ऑफ. डिजिटल अगर रहेगा तो ओनली वो सिर्फ ऑन और ऑफ ही होगा. एनालॉग अगर रहेगा, एनालॉग टाइप रिस्पॉन्ड प्रोपोर्शनली विद द सिग्नल दे रिसीव फ्रॉम कंट्रोलर एंड दे रिक्वायर्स द DAC टू कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग. ओके, अगर एनालॉग सिग्नल रहेगा तो वो क्या करेगा, सिग्नल रिसीव करेगा कंट्रोलर से और वो कन्वर्ट होगा फ्रॉम एनालॉग टू सॉरी डिजिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ DAC. देन सम आउटपुट डिवाइसेज आर मोटर्स, सोलेनॉइड्स, रिलेज, टाइमर्स, हीटिंग डिवाइस, अलार्म्स, इंडिकेटिंग लैम्प्स, बजर्स. ओके, आउटपुट डिवाइस ये भी रह सकते हैं आपके मोटर, रिलेज, टाइमर्स, हीटिंग डिवाइस, अलार्म्स, इंडिकेटिंग लैम्प्स और बजर्स भी रह सकते हैं. ओके, सो इन दिस वे दिस इज द डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट टुडेज टॉपिक. ओके, थैंक यू.